तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। जवान ने कल शानदार 30 दिन कंप्लीट करके आज 31वें दिन में एंट्री मार ली है और जबरदस्त एक रिकॉर्ड क्रिएट करा है मूवी ने पिछले दो दिन में कि मिडिल ईस्ट में ये नंबर वन मूवी बन चुकी है इंडियन सिनेमा की, जिसने हाईएस्ट कलेक्शन किया है, हाईएस्ट ग्रॉसिंग करी है। आज तक कोई भी मूवी नहीं जा पाई है, या पैन इंडिया की मूवी ले लो, चाहे कोई भी बाहुबली 2 ले लो, KGF 2 ले लो, या फिर पठान ही क्यों ना ले लो, क्योंकि पठान जब ओपनिंग हुई थी, पठान की जब कलेक्शन शुरू हुई थी, तो ऐसा लग रहा था कि मिडिल ईस्ट से जबरदस्त कलेक्शन लेके आएगी और यस वहां से जबरदस्त रेस्पॉन्स भी देखने को मिल रहा था, क्योंकि फैन फॉलोइंग जबरदस्त तरीके से देखी जा रही थी। जो बुर्ज खलीफा पे जो पठान का ट्रेलर चलाया गया था, तो ऐसा लग रहा था जबरदस्त कलेक्शन लेके आएगी, लेकिन जवान का भी सेम बुर्ज खलीफा पर ट्रेलर चलाया गया, प्रीव्यू चलाया गया, और भाई साहब ऑसम अमेजिंग कलेक्शन लेके आई और वहाँ से नंबर वन मूवी बन चुकी है जो हाईएस्ट ग्रॉसिंग करी है। तो अभी ये बात करेंगे मूवी ने अभी तक कितनी कमाई कर ली है, कल का दिन कैसा रहा, आज कैसी रुझान चल रही है। हाँ, कल के दिन में एक नई मूवी रिलीज हुई है अक्षय कुमार की, मिशन रानीगंज, लेकिन इतना खास रेस्पॉन्स देखने को नहीं मिला, मूवी की इतनी अच्छी ओपनिंग नहीं हो पाई। अब ग्रोथ स्लो होते नजर आ रही है और जबरदस्त तरीके से स्लो होते नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मूवी अभी भी जबरदस्त बना के चल रही है। तो ये बात करते हैं कैसी क्या कलेक्शन है, कैसा क्या रुझान है, तो सभी चीजों पर एक एक कर बात करेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना। और अगर आप जवान मूवी से रिलेटेड लगातार बिग अपडेट्स चाहते हैं और शाहरुख खान के डाई हार्ट फैन हैं, तो वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अटली कुमार के डायरेक्शन में मात्र 300 करोड़ के भारी भरकम बजट में बनने वाली जवान, जिसके मेन लीड पर आपको मल्टीपल रोल्स में द किंग खान बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको मल्टीपल कैमियोज भी देखने को मिलेंगे, और सपोर्टिंग कास्ट इज अमेजिंग, इज फैब्युलस, सुपर फैंटास्टिक, स्टोरी लाइन इज सुपर फैंटास्टिक, ऑल्सो विलेन विजय सेतुपति डन हिज रोल अमेजिंगली, सुपर फैब्युलस। मैं कह रहा हूं ना, अकेला ये बंदा भारी पड़ा है SRK पर और जबरदस्त तरीके से नेगेटिविटी का रोल लाया है। मतलब भाई गॉड, एक इसने एक आइकॉनिक सेट कर दिया है, एक आइकॉनिक विलेन के रूप में उभर के आया है। कॉन्टेंट इज सुपर अमेजिंग, सोशल पॉलिटिकल एंड करप्शन के मुद्दों पर जबरदस्त तरीके से बात उठाई गई है, और जब वही जबरदस्त लगा क्योंकि मास मसाला एक्शन मूवी में हमें स्टोरी का इतना कोई रोल देखने को मिलता नहीं है, बट ये दोनों कॉम्बो जो आया है जबरदस्त तरीके से आया है और फाड़ के गया है। तो बात करते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, पहले दूसरे तीसरे दिन जबरदस्त कलेक्शन किया है। नेट इंडियन कलेक्शन पहले तीन दिन में ही 205 करोड़ हो चुका था, चौथे दिन सिंगल डे पे हिंदी से 71 करोड़ आया, जो कि ह्यूज कलेक्शन है। बॉलीवुड की कोई भी मूवी या फिर पैन इंडिया की कोई भी मूवी, अगेन मैं कह रहा हूं, कोई भी बड़ी से बड़ी मूवी ले लो, सिंगल डे पे हिंदी से इतनी बड़ी कलेक्शन नहीं ला पाई। यहाँ एक मूवी में पोटेंशियल लग रहा है, मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ, Tiger 3 वो दम है, ये कर सकती है, लेकिन मुश्किल है पर इम्पॉसिबल नहीं है। इसी के साथ पहला हफ्ता शानदार तरीके से कंप्लीट किया, हिंदी से 327 करोड़ फर्स्ट वीक में कंप्लीट करे और पूरी दुनिया से 660 करोड़ ये मूवी लेके आ चुकी थी। इसी के साथ 8वें, 9वें, 10वें दिन भी सॉलिड कमाई रही, हाँ थोड़ा सा डिप देखने को मिला लेकिन सॉलिड कमाई थी। तो 10 दिन जैसे ही कंप्लीट करे मूवी ने, पूरी दुनिया से 812 करोड़ कंप्लीट कर चुकी थी। इसी के साथ जब सेकंड वीक कंप्लीट होने में आया, तो सिर्फ सेकंड वीक में नेट इंडियन कलेक्शन 136 करोड़ रहा था, जिसमें से सिर्फ हिंदी से 125 करोड़ की कमाई करते नजर आई थी। और दूसरा हफ्ता कंप्लीट करते करते मूवी नेट इंडियन कलेक्शन 520 करोड़ कर चुकी थी और टोटल पूरी दुनिया से ये कलेक्शन 922 करोड़ कर चुकी थी, और यहाँ तक बॉलीवुड की सारी बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ चुकी थी। हाँ, दंगल मूवी का रिकॉर्ड अभी बच गया है, वो भी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में, क्योंकि चाइना इस पे मेहरबान था, वरना अगर देखा जाए तो इंडिया में जितने भी कलेक्शन करिए इन बड़ी बड़ी मूवी में, दंगल हो गई, वॉर हो गई, बजरंगी भाईजान हो गई, इन सारी मूवीज़ के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लाइफ टाइम कलेक्शन रिकॉर्ड को ये खदेड़ चुकी थी मात्र 2 हफ्ते के अंदर, यानी 14 दिन के ही अंदर। तो ऐसे ऐसे रिकॉर्ड तोड़े हैं, उसके बाद जो नए नए रिकॉर्ड क्रिएट करे हैं भाई साहब, इनको तोड़ पाना एक बार के लिए आने वाली मूवीज के लिए बड़ा दिक्कत हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, वही मैं कह रहा हूं, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, डंकी और सालार में ये चीज दम थी, वो पोटेंशियल था, बट क्या करें, वहां पर क्लैशेस देखने को मिलने। तो इसी के साथ 20वें दिन तक आते आते ये मूवी 19वें, 20वें दिन में थोड़ा ग्रोथ स्लो देखने को मिली, बट 20वें दिन में आते आते मूवी सिर्फ हिंदी से 515 करोड़ कमा चुकी थी, नेट इंडियन कलेक्शन 571 करोड़ हो चुका,
चुका था और पूरी दुनिया से 1022 करोड़ का ये कलेक्शन कर चुकी थी। थर्ड वीक का जब एंड हुआ तो मूवी सिर्फ थर्ड वीक में ही 55 करोड़ की कमाई लेके आई थी सिर्फ नेट इंडियन कलेक्शन से, जिसमें हिंदी से 52 करोड़ आया था और पहले 23 दिन में मूवी ज़बरदस्त कमाई करते नज़र आई। हाँ, स्लो अप एंड डाउन का जो ग्रोथ देखने को मिला यहाँ पर, क्योंकि वर्किंग डेज था, कभी हॉलीडेज था, तो एवरेजली कमाई ठीक ठाक करते नज़र आई है। 2425 दिन में सैटरडे संडे का फुल फायदा उठाया और इन्हीं 2 दिन में सिर्फ हिंदी से 17.5 करोड़ आया और टोटल नेट इंडियन कलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मूवी 607 करोड़ के क्लब में एंट्री मार चुकी थी। तमिल तेलुगु से ये मूवी 59 करोड़ कमा चुकी थी। भाई साहब, साउथ में इतनी बड़ी कलेक्शन कोई भी नहीं ला पाया। हाँ, अब साउथ में पिछले 4-5 दिन से मूवी की ग्रोथ बहुत स्लो, क्या ख़त्म जैसी ही हो गई है, क्योंकि वहां पर स्कंदा मूवी चल रही है द सुपरस्टार राम पोथिनेनी की, तो साउथ की ऑडियंस बॉलीवुड की और हिंदी मूवी को इतना पसंद भी नहीं करती हैं। जब उनकी रीजनल मूवी आ जाती है तो वैसे ही वो बायस हो जाते हैं। हाँ, ग्रॉस कलेक्शन पहले 25 दिन तक 718 करोड़ हो चुका था, ओवरसीज से 364 करोड़ आ चुका था और पूरी दुनिया से ये मूवी 1082 करोड़ के आंकड़े पर पहुंच चुकी थी पहले 25 ही दिन में। ह्यूज कलेक्शन, जबरदस्त कलेक्शन, मतलब इसी के साथ 26, 27वें और 28वें दिन में भी जबरदस्त कलेक्शन लेके आई ये मूवी और 28वें दिन तक आते आते इस मूवी ने नेट इंडियन कलेक्शन 660 करोड़ हो चुका था, जिसमें से हिंदी से इस मूवी ने पहले 28 दिन में ही 558 करोड़ के मार्वलस आंकड़े को अपने खाते में रख लिया था। ग्रॉस वहीं 731 करोड़ हो चुका था और ओवरसीज से 372 करोड़ के आसपास ये मूवी आ चुकी थी। इसी के साथ बात करें डे 29 में कैसी कलेक्शन रही, तो भाई साहब अमेजिंग कलेक्शन रही। नेट इंडियन कलेक्शन अब यहां पर ना स्लो हो चुकी थी, ग्रोथ काफी स्लो हो चुकी थी। ग्रोथ रही नेट इंडियन कलेक्शन से 1.86 करोड़, जो ग्रॉस कलेक्शन हो चुका था 2.5 करोड़ का, ओवरसीज से 1.5 करोड़ आया था और पूरी दुनिया से मूवी 4 करोड़ के आंकड़े में जाते दिखी थी परसों यानी 29वें दिन में। तो हिंदी से ये मूवी का कलेक्शन हो चुका था 560 करोड़ का पहले 29वें दिन में और नेट इंडियन कलेक्शन से मूवी पहले 29 दिन में 619 करोड़ कमा चुकी थी। वहीं ग्रॉस कलेक्शन 733 करोड़ हो चुका था और ओवरसीज से 369 करोड़ आ चुका था। पूरी दुनिया से मूवी 1103 करोड़ के मार्वलस आंकड़े को अपने खाते में ले चुकी थी। इंडिया की नंबर वन मूवी बनी जिसने 1100 करोड़ के क्लब में एंट्री ही ना मारी बल्कि इसको क्रॉस भी किया है। तो आज तक बॉलीवुड या फिर हिंदी मूवी कोई भी ये इतनी बड़ी कलेक्शन नहीं कर पाई। हाँ, पठान थी जिसने 1050 करोड़ कंप्लीट किए, तो वही चीज़, जवान ने पहले उस रिकॉर्ड को खदेड़ा, उसके बाद एक नया रिकॉर्ड क्रिएट किया, पहले तो उसे बीट डाउन किया, क्रॉस किया, देन 1100 करोड़ के क्लब में एंट्री मार ली है। लेकिन अब मिशन रानीगंज मूवी कल को रिलीज हो चुकी है तो यहाँ से थोड़ा ग्रोथ अब स्लो देखने को मिलेगी ही मिलेगी। हाँ, ओपनिंग सॉलिड नहीं थी मिशन रानीगंज की, कल अराउंड 4 से 4.5 करोड़ की कमाई करते नज़र आई अक्षय कुमार के होने के बावजूद, क्योंकि मूवी का कॉन्टेंट बहुत ज़बरदस्त है। बट वही चीज़ की सामने फुकरे 3 भी चल रही है, वैक्सीन वॉर भी चल रही है और कहीं ना कहीं द ग्रेट इंडियन फैमिली भी चल रही है और कुछ एक जगह तो गदर 2 अभी भी पीछा नहीं छोड़ी, तो बहुत मूवी चल रही है। क्राउड सिर्फ थिएटर में पब्लिक का ही नहीं है, ऊपर से मूवीज का भी बहुत सारा क्राउड है। पब्लिक के लिए इस टाइम पे ढेर सारी चॉइसेस हैं। ऊपर से जवान ने क्या कहते हैं एक आध चीज़ें और भी कर दी कि वीक डेज और वीकेंड पे कहीं शायद र्यूमर है या कुछ भी है, मैं देखने में आ रहा था कि मूवीज़ के टिकट के प्राइस काफ़ी लो कर दिए हैं, अराउंड 112-120 के आसपास ये देखने को मिल रहा था। बट हु नोज, ये रूमर है क्या है, जो भी अगर आप में से किसी को पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बता के जाना। बात करें कल यानी फ्राइडे की यानी 30वें दिन कैसी ग्रोथ हुई, तो कल वर्किंग डे था लेकिन कहीं जगह अच्छी ग्रोथ भी देखने को मिली। लेकिन वही चीज़ है कि साथ में अक्षय कुमार की मिशन रानीगंज मूवी रिलीज होगी, जिससे काफी सोच मूवी को शेयर करने पड़े उसके साथ। तो साथ में गदर 2 भी अभी भी चल रही है और भी 2-3 मूवी फुकरे 3 तो अपना कलेक्शन कर ही रही है। तो कल मूवी का कलेक्शन आया है नेट इंडियन से 1.2 करोड़, ग्रॉस रहा 1.5 करोड़ और पूरी दुनिया से 3.5 करोड़ कमाती दिखी है। तो इसी के साथ पहले 30 दिन में नेट इंडियन कलेक्शन 620 करोड़ का कवर कर लिया और पूरी दुनिया से ये मूवी 1106 करोड़ के आंकड़े में कल एंट्री मार चुकी थी एंड ऑफ द डे तक। हाँ, ये अर्ली एस्टिमेट है, जब इसका ऑफिशियल रिपोर्ट आ जाएगी कल की फुल डे की ऑफिशियल रिपोर्ट तो एक नई वीडियो उसमें बना दी जाएगी। बात करें आज यानी 31वें दिन यानी सैटरडे को कैसी ग्रोथ चली है, तो आज तो वीकेंड का फायदा उठाएगी ही उठाएगी मूवी। आज और कल संडे में
फुल फ़ायदा उठाएगी। सिर्फ यही नहीं, बाकी की जो मूवी चलनी है उनको भी ज़बरदस्त कलेक्शन मिलने वाली है। मिशन रानीगंज में फिर कह रहा हूँ, रिव्यूज़ बहुत अच्छे आए हैं, तो सेकेंड थर्ड डे में इसकी हाइप अब जाएगी। अब जवान से थोड़ा ऑडियंस उधर डाइवर्ट होगी ही होगी। हाँ, मूवी कमाई करके ले जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं कि जवान की ग्रोथ पूरी स्लो ही हो जाएगी। हाँ, आने वाले 13 से 14 दिन बाद जब 29 तारीख को लियो मूवी रिलीज होगी और 20 तारीख को गणपत मूवी रिलीज होगी टाइगर श्रॉफ की, बोथ आर मोस्ट मच अवेटेड मूवी। अगर ये दोनों आ जाती हैं उसके बाद जवान पूरी की पूरी तरीके से धराशायी हो जाएगी। फैक्ट एंड फिगर की बात चली, को ऐसी हवा हवा में नहीं, तुक्के तक्की नहीं। आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो कि जब इतनी बड़ी बड़ी मूवीज आ जाएंगी तो इनको कौन पूछेगा भला, क्योंकि ये पुराना कॉन्टेंट हो चुका है और पुराने को कोई इतना प्रेफरेंस नहीं देगा। तो बात करें आज यानी कैसी ग्रोथ चल रही, तो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी अगर मैं बताऊँ तो आज तो सैटरडे है, इस वजह से 12 से 13% की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी देखने को मिल रही है मूवी को, जिसमें से नेट इंडियन कलेक्शन 2 करोड़ का आता दिख रहा है और पूरी दुनिया से 4 करोड़ की कमाई करते नजर आ रही है। इसी के साथ एंड ऑफ द डे आज ये मूवी हिंदी से 563 करोड़ कंप्लीट कर लेगी, नेट इंडियन कलेक्शन से 622 करोड़ के कलम में एंट्री मार लेगी और पूरी दुनिया से 1110 करोड़ कंप्लीट कर लेगी। तो मैं मान के चल रहा हूँ ये मूवी लाइफ टाइम कलेक्शन अगर 19 से 20 अक्टूबर से पहले ये मूवी कंप्लीट कर जाएगी, अगर 1145 करोड़ के आंकड़े में भी अगर ये पहुँच जाती है तो यस कंप्लीट कर जाएगी, वरना 1150 करोड़ 1150 करोड़ लाइफ टाइम कलेक्शन का उम्मीद मैं लगा के बैठा हूँ। आपकी क्या राय है, आप लोगों का क्या जम्पशन है, आप लोगों की क्या प्रिडिक्शन है, जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।